डोले शोले दिखाए जा रहे हैं, लीवर देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सनोबर ने शुरू कर दी अपनी किचन की तैयारी। क्या बनाएंगे आज आप? आलू के चावल का सोचा था, अचानक से मूड बदल गया है और अब मैं बना रही हूँ आलू चने का पराठा। तो कर लो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दोनों सब ठीक ठाक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। और ये डोले शोले नहीं दिखा रही थी, ये स्लिप्स मेरी थोड़ी हैवी है ना, तो उनको मैंने पिन अप किया ताकि वो पकाते में आए नहीं। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ मैं जो हूँ प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ, यानी इधर मुझे डार्क ब्राउन प्याज करनी है, यानी सुनहरी प्याज जो कि बिरयानी या पुलाव के लिए चाहिए होती है। ऑयल गरम हो चुका था, प्याज मैंने उसमें ऐड कर दी है। और यहाँ मैंने लास्ट टाइम, जैसे जिस तरह मैं आप लोगों को पता है, मैं बॉयल्ड चने रखती हूँ, पीस किए हुए हैं, ये मैं निकाल चुकी हूँ। जब तक ये सारा मसाला रेडी होगा तब तक मैं छोटे छोटे दूसरे काम भी निपटा लूँ। यहाँ मैं लहसुन को जो है बारीक बारीक कतर रही हूँ। रेसिपी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और जब तक प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है तब तक मैंने बाकी मसाले तैयार कर लिए हैं। और यहाँ मैं अब दही लूँगी और दही में जो है मैं ऐड करूँगी शान का बम्बई बिरयानी मसाला थोड़ा सा। व्यूअर्स, एवरीथिंग हैपेंस एट द राइट टाइम। और यहाँ बस समझ लें ये पुलाव की तैयारी है, यानी ये डिनर के लिए मैं चावल पका रही हूँ, यानी पुलाव चावल नहीं बोल रही, पुलाव बोल रही हूँ। और मगरिब की अजानों का वक्त भी बस हुआ जाता है, थोड़ी देर में बस अजानें शुरू हो जाएंगी। और इधर हो चुकी है मगरिब और मैं निकलता हूँ नमाज के लिए। फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में, जब तक ये भी फ्री हो जाएंगी, नमाज के बाद आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, यहाँ प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसे अलग निकाल के रख रही हूँ। बुरा वक्त भी ज़रूरी है, ज़िंदगी से फालतू लोग निकल जाते हैं। और यहाँ मैंने फ्राई प्याज अलग कर ली है और मगरिब की अजानें भी शुरू हो चुकी हैं। मगरिब की नमाज़ में पढ़ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जुनेद भी आ चुके हैं और मैं चेक करती हूँ कि आलू गले। यहाँ मैं चेक करने आई थी कि आलू गले निकले, अभी आलू में कसर है। जब ये कौरमा जैसा तैयार हो जाएगा तो उसमें मैं ये चने ऐड करूँ। चने में लास्ट में इसलिए ऐड कर रही हूँ, चने बॉयल्ड हैं तो ये 3/4 नहीं है, ये पूरे पूरे 1/4 है। यहाँ चावल भीगे हुए हैं, जब ये आलू गल जाएंगे ये ऐड होंगे और इसमें फिर चावल इंक्लूड कर देंगे। और यहाँ पे हम देखें, आप लोग को जैसे लास्ट टाइम लास्ट व्लॉग में देख चुके हैं, यहाँ पर्दा डालना पड़ता है कि धुआं या गर्मी अंदर नहीं आए। जुनेद वहाँ बैठ के अपने मोबाइल का काम कर रहे हैं, संडे को ऐसे ही होता है, कुछ उठता नहीं है, सब फैला हुआ होता है। और यहाँ जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जैसे ही आलू जो है 3/4 होंगे तो इसके अंदर मैंने चने और चावल ऐड करने हैं जो भीगे हुए थे। और यहाँ मैं चने और चावल दोनों ऐड कर चुकी हूँ। लास्ट मैंने अभी, आप जो थोड़ी देर पहले की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब आलू जो है वो 3/4 हो जाएंगे, यानी 3/4 गल जाएंगे, तो इसके अंदर मैं ये चीज़ ऐड करूँगी, तो मैंने कर दिए हैं। पढ़ना था जिसके बारे में, थोड़ी स्टडी करना था इस बुक के बारे में। समझ लीजिए जगह कुछ ऐसी मैजी मैजी रहती है, जितना भी समझ लेना, छोटी मोटी चीज़ें कोई ना कोई नज़र आ ही जाती हैं। ऐसे ही है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ओ का कैसे लग रहे हैं आप? कल सुबह से वही अपनी रूटीन स्टार्ट हो गई थी, बस संडे के बाद ऐसे ही होता है। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप जब भी मोबाइल या टीवी देखें आपको अपनी नज़र की क्लासेस का। जुनेद ने अपनी रूटीन बता दी है, बहुत मशरूफ है, संडे है। मैं किचन में आपको अपना दिखा चुकी हूँ सारा, वो पकता है तो भी दिखाती हूँ। यहाँ देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, ये मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी, यानी जब पक जाएंगे चावल ये पानी खुश्क हो जाएगा, जब दम पे लगाऊंगी तो ये प्याज ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो ये है रूटीन लाइफ, किचन घर। यहाँ कपड़े सूखे हुए हैं, बारिश के बाद अभी तक ये ज़मीन सूखी नहीं रही है,
व्यूअर्स, और बस यही है, कुछ गली सूख गई है काफ़ी हद तक, हवाएं भी अच्छी चल रही हैं। और चल के देखते हैं सनोवर क्या कर रही हैं। दम की तैयारी कर रही है। दम किसके दम की तैयारी? ओ खाना तैयार होने वाला है। और दम चुका है। प्याज भी, छुरी तो हटा दो। यहाँ देख लीजिए जुगाड़ वाला रायता तैयार हो रहा है जी। ये कौन सा तरीका है वैसे रायता बनाने का? हमारे ज़माने में ऐसे बोले, हम ऐसे ही रायता बनाते थे। हमारे ज़माने में क्या भाई, ये शॉर्ट, ये पता है क्या, दही फेंटने का तरीका ही है। कितने व्लॉग्स में आप बता चुके हैं, वही तो बोल रही हूँ, हमारे ज़माने में हम ऐसे ही दही फेंटते थे। चलिए जी, आप ये तैयार करिए, मैं गर्मी से आई हूँ, ये देखें बंद है। कौन मशीन निकाले, कौन चमचा उठाया है, कौन क्या निकाले, डायरेक्ट थैली में ही आप इसको। और खाएंगे कैसे, डायरेक्ट इसी में से निकाल के? शॉपर से निकाल के आपको बस एक बॉल में डालना है। जी जी जी, आप मुझे चश्मे के ऊपर से क्यों देख रहे हैं? अभी मैं टीवी नहीं देख रहा, लेकिन लगा मैंने इसकी आदत हो गई। अब देख रहा था कहाँ कहाँ बारिश हो गई है, कहाँ कहाँ जो है वो बल्दिया में बहुत ज़्यादा बारिश का पानी जमा हुआ है। जमा हुआ है बेचारे, व्लॉग अच्छा लगा लाजमी कमेंट्स करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।